कुछ लोग आज भी अपनी ईगो के साथ घूम रहे हैं, उन्हें सोचना होगा। हम हमेशा इस पक्ष के रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो, लेकिन उसमें कोई बाधाएं बनते हैं तो लोग उनको सुरक्षित शामिल नहीं हुई। आज तमाम दल आए लेकिन कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं आए, तो कांग्रेस को सबक मिलेगा इस बार। हरियाणा का आदमी बहुत खुद्दार है, और खुद्दार आदमी कभी भी जो भी कोई घमंड करता है उसका घमंड दूर करने का काम करता है। इनेलो की सम्मान रैली में बड़े बड़े दिग्गज तो पहुंचे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इनेलो के कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। रैली में अभय चौटाला और ओपी चौटाला की तरफ से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, मगर ताऊ देवीलाल के जिस कार्यक्रम से अभय चौटाला बीजेपी को विपक्ष की कड़ी एकजुटता का संदेश देने का प्लान बनाए हुए थे, वो कांग्रेस की वजह से सिरे नहीं चढ़ पाया। और आखिर में हुआ क्या, रैली खत्म होते ही अभय चौटाला का कांग्रेस को लेकर गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं आई, इस बात का कांग्रेस को सबक मिलेगा। आने वाला कल जो है हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, और जो लोग आज चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में जितने भी लीडर आए उन्होंने भी एक साफ संदेश दे दिया कि कुछ लोग आज भी अपनी ईगो के साथ घूम रहे हैं, उन्हें सोचना होगा। हम हमेशा इस पक्ष के रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो, लेकिन उसमें कोई बाधाएं बनते हैं तो लोग उनको सुरक्षित शामिल नहीं हुई। कांग्रेस शामिल नहीं हुई, आज में तमाम दल आए लेकिन कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं था। नहीं आए तो कांग्रेस को सबक मिलेगा इस बार। हरियाणा का आदमी बहुत खुद्दार है, और खुद्दार आदमी कभी भी जो भी कोई घमंड करता है उसका घमंड दूर करने का काम करता है। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा का आदमी खुद्दार है और वो घमंड करने वालों का घमंड चूर कर देता है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इनेलो की तरफ से निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इनमें से कोई भी नेता नहीं पहुंचा, ना ही कांग्रेस का कोई नुमाइंदा रैली में शामिल हुआ। उम्मीद तो ये भी की जा रही थी कि इनेलो सम्मान रैली के दौरान इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब आगे क्या होगा इस बात पर सबकी नजर है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।